हमारी ये दुनिया न जाने कितने ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जिनके जवाब विज्ञान द्वारा खोजा जाना बाकी है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी हुई जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान भी अभी इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, हम ऐसे ही तीन सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे जो विज्ञान के लिए सरदर्द बने हुए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाएं। नंबर 1, टाइम मशीन का रहस्य। हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी ऐसा ख्याल जरूर आता है कि काश हम समय यात्रा करके समय में आगे या पीछे जा सकते। अब ये साला कौन सा दरवाजा है जो हमें पास्ट या फ्यूचर में भेज सकता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि आगे भविष्य में टाइम ट्रैवल संभव हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, दूर भविष्य में अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल भी हो गया होगा तो वो लोग क्यों नहीं आते इस समय में टाइम ट्रैवल करके। तो दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों की माने तो टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा संभव है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स नाम के एक महान इंग्लिश राइटर ने अपना पहला नॉवेल द टाइम मशीन के नाम से पब्लिश किया था। तभी से टाइम ट्रैवल शब्द अस्तित्व में आया। लेकिन क्या ये वेल्स की कल्पना मात्र थी? अब ये तो वक्त ही बताएगा कि टाइम मशीन के जरिए समय की सीमाएं हम लांघ सकते हैं या नहीं। नंबर 2, एलियंस का रहस्य। अब ये साले एलियंस ना जाने कौन से गोला पर हैं, ये भी विज्ञान के लिए सरदर्द बने हुए हैं। इनको कभी तो जादू की तरह सामने आना चाहिए। अगर मुझे एलियंस मिल जाए तो मैं तो पक्का उनकी धुलाई कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, एलियंस का रहस्य आज तक विज्ञान से सुलझ नहीं पाया है। फिर भी एलियंस की इस ब्रह्मांड में मौजूदगी पर वैज्ञानिक भी विश्वास करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यूनिवर्स का इतना विशाल होना। इसमें अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, तो सोचिए इन तारों के आसपास नाचने वाले ग्रहों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसा लगता है कि एलियंस होंगे, लेकिन यूनिवर्स के इतने विशाल होने के कारण उनकी दूरी हमसे बहुत ज्यादा है। ना हम उन तक पहुंच सकते हैं, ना वो हम तक पहुँच सकते हैं। ये थ्योरी काफी हद तक सही लगता है। नंबर 3, द वाव सिग्नल। 15 अगस्त 1977 को 11:16 पर ओहायो स्टेट के एक यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक अननोन सिग्नल को कैच किया था। आखिर ये सिग्नल कहां से आया था? रेडियो टेलीस्कोप पर ये अजीबोगरीब सिग्नल 72 सेकंड तक चला था। बाद में इस रहस्यमय सिग्नल को डिकोड जेरी अहमन नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। फिर जेरी अहमन ने इस रहस्यमय सिग्नल के प्रिंट आउट को निकालकर 6EQUJS पर लाल रंग के पेन से घेरा बनाकर वहां वाव लिख दिया। तभी से ये सिग्नल वाव सिग्नल के नाम से प्रचलित हो गया। ये सिग्नल सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। वाव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज थी। पहली बार कोई सिग्नल ऐसा आया था जिसे एलियंस द्वारा भेजा गया माना जा रहा था। बहुत से वैज्ञानिक तो इस सिग्नल को किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा भेजा गया मानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे नेचुरल सोर्स के जरिए आया हुआ मानते हैं। यह सिग्नल 1800 प्रकाश वर्ष की दूरी से सेजिटेरियस तारामंडल के एक तारे के पास से आ रहा था। वैज्ञानिकों ने बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वाव सिग्नल के बाद ऐसा दूसरा कोई सिग्नल आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, दिल तोड़ने वाली बात तो ये है कि हो सकता है ये सिग्नल किसी धूमकेतु से आया हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए कीमती साबित हो सकता है।